हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, हाउ टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2018। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक अच्छे से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, 650 प्लस जो स्कोर है नीट में, वो इजी टास्क बिल्कुल नहीं है, वो आप बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जहां पर भी इम्पॉसिबल नहीं है वो हम कर सकते हैं, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, और उसके साथ साथ आपके पास एक ग्रेट प्लान होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्मार्ट वर्क और ग्रेट प्लानिंग मिलकर आपकी इस पूरे प्लान को अंजाम देंगे, और आप आसानी से 650 प्लस जा सकते हैं। और उसके लिए जो आपकी जो बेसिक्स हैं, जो आपकी अकेडमिक जो नॉलेज है, और देखिए फ्रेंड्स, नीट जैसे एग्जाम के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स, सिचुएशनल इंटेलिजेंसी और टाइम मैनेजमेंट, और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो स्कोर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है एकेडमिक स्किल्स, जो कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है 10वीं 11वीं 12वीं 10th 11th 12th में, तो आपकी आपको एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका एग्जाम टेकिंग स्किल्स। तो देखिए फ्रेंड, उसके अंदर क्या आता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आपकी नर्वसनेस कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस कितना कम है, ये सब कुछ बातें सेकंड में आती हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपकी जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो आपको 60% मार्क्स दिलाती हैं, और जो 40% मार्क्स हैं वो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की, एग्जाम देने की जो आपकी स्किल्स हैं वो दिलाती हैं, और आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर 100% वर्क करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपके एकेडमिक नॉलेज को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको एक हाई लेवल पर ले जाना होगा। अगर आपने अच्छी एकेडमिक नॉलेज नहीं रखी, या फिर रखी भी है तो भी आपको अच्छे से क्लियर पूरा करना पड़ेगा। आपको अपना पूरा बेसिक मैथामेटिक्स है, आपकी जो एनसीईआरटी के बेसिक नॉलेज है, आपको अच्छे से नॉलेज करनी है, सब कुछ करना है। एनसीईआरटी अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो आपको वो अच्छे से करना है, आपको पढ़ने का तरीका अपना जो इम्प्रूवमेंट उसमें लाना है। और देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी रिएक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी देखिए आप ऑर्गेनिक के अंदर जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपको पहले क्लियर करनी है। मैकेनिज्म के बिना आप ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो आपको क्लियर करना है। फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी से क्लियर होने चाहिए। बायो के अंदर आपको पूरा से लाइन मिलाकर एनसीईआरटी आपको याद होना चाहिए, जितने भी डायग्राम्स एनसीईआरटी के अंदर हैं वो आपके सारे माइंड में होने चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए आपका जितना भी पूरा सिलेबस है, 101% सिलेबस की बात करता हूँ, 100% सिलेबस हो गया आपका, और 1% कुछ एक्स्ट्रा। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के ही आएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी इस कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं, लेकिन जो बंदा कुछ एक्स्ट्रा करेगा वो ही तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो आप सभी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो बंदा थोड़ा सा अच्छा करेगा, इवन अगर आप 100% में से 100% देने की कोशिश करते हैं, तो आप ये आसानी से रीच कर सकते हैं, आप आसानी से 650 तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रीड करते हैं, पूरा एक भी कवर ऐसे कोई पॉइंट नहीं हो जिसको आप छोड़ दें, तो आप इसी का अच्छे से पढ़ें, लेकिन बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होने वाला। तो रिवीजन भी आपका इसका बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। इवन आपके लिए फाइनल टिप यही है कि पूरा सिलेबस पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पूरा रिवाइज करें, और एक भी छोटे से छोटा पॉइंट भी ना छोड़ें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट कब क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी है, अगर वो इजी है लेकिन आपको प्लस 4 देने वाला है, और अगर एक हार्ड क्वेश्चन है वो आपको आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है लेकिन अभी वो आपको नहीं आ रहा, तो लेकिन उस टाइम आपको वो इजी क्वेश्चन आपको प्लस 4 मार्क्स तक देगा। तो इसीलिए कोई भी आपके पूरे सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोटा नहीं है, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पूरा कवर करना है। सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, आप टेस्ट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिस जो कि आप टेस्ट सीरीज में देते हैं, अपने क्लास में देते हैं, आप घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो ये होते हैं मॉक टेस्ट। और इसके अंदर आपको स्कोर करना और आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं फाइनल एग्जाम से पहले, वो आपको इसी टेस्ट में करने होते हैं, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। और कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही कम टाइम में
क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम टेकिंग ऑफ क्वेश्चन है वो पूरा नीचे लाते जाइए, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएंगे मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपको फाइनल एग्जाम में टाइम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर 650 मार्क्स आपको अचीव करने हैं फाइनल एग्जाम में, तो उससे पहले टेस्ट सीरीज जो होती हैं, मान लीजिए अगर आप मेजर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है कि आप एन एवरेज आपका जो मार्क्स रहे वो होना चाहिए आपका 600 के आसपास, या फिर इसके ऊपर, या फिर 10 से 15 मार्क्स ही आसपास के रहना चाहिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास रहे। आप कुछ भी मार्क्स लाते हों और उस आप फाइनल के अंदर ही सोच रहे हों कि मैं अभी नहीं आ रहे हैं और फाइनल में लेके आ जाऊँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आपको पहले लाना पड़ेगा, अभी मेहनत कीजिए, बाद में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप अपना पूरे टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 90% स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो क्या गलती करते हैं, वो अपने टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर आप देखिए कि आपके कौन से चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बराबर नहीं तो थोड़ा बहुत पास आने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके, अपनी जो अपनी गलतियाँ हैं, आपकी कमियाँ हैं, उस पर वर्क कीजिए और पूरा कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कोई एरर ना रहे। और देखिए फ्रेंड्स, 650 के लिए आप सबसे पहले टारगेट कीजिए बायोलॉजी को। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी आपको 90 क्वेश्चंस देती हैं, जिसमें से सारे करने तो पॉसिबल नहीं है राइट करने, लेकिन आप उसके अंदर 80 से 85 के बीच अराउंड अगर साइट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होगा। इवन आपका जो आधा वर्क है वो वही कर देगा। उसके बाद में आपको टारगेट करना है केमिस्ट्री को, उसके बाद में आपको फिजिक्स को टारगेट करना है। तो देखें, आपके हिसाब से देखें जितना भी कुछ है, और कुछ बात में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में बता दें। और अगर आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके इस प्रॉब्लम को, अपनी अपनी खुद की प्रॉब्लम को आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। और देखिए, सिलेबस को रिवाइज करते जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस को रिवाइज करेंगे, आपकी क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा जितना ज़्यादा से आप रिवाइज करते हैं आपको कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि आप वन टाइम आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पढ़ने की बात हो गई है, आपकी रिवीजन की बात हो गई है, टेस्ट सीरीज के बारे में भी कुछ बात कर ली है, आपकी स्किल्स के डेवलप कैसे करना है उसके बारे में आपको बात कर ली है, और अदर एक्टिविटीज़ आपको क्या क्या करनी है उसके बारे में भी बात हो चुकी है। लास्ट में बात करेंगे पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें ताकि आप 650 तक पहुँच सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपका जो सिक्वेंस है वो परफेक्ट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सिक्वेंस की ज़्यादा बात है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना चाहिए, फिर फिजिक्स करना चाहिए, फिर केमिस्ट्री करना चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि हम तो पहले केमिस्ट्री करते हैं, चलो आप करते भी हों अगर आपका मार्क्स आते भी हों, लेकिन मेरे देखिए फिर इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है, अगर आपके पास पीछे कम टाइम बचता है बायो और केमिस्ट्री के बाद में, तो वो जो कम टाइम का जो प्रेशर है वो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने देता और आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो कम आते हैं। यही प्रॉब्लम है जो कि शायद मेन जो एरर है, 650 से कम मार्क्स आने की, क्योंकि लो मार्क्स आने की, क्वेश्चन सबको आते हैं, घर पे आके सारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं होता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। तो उस टाइम को अच्छे से कंज्यूम करने के लिए पहले फिजिक्स करें, और कम टाइम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये काफ़ी स्टूडेंट्स कर चुके हैं और काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को मार्क करना है, आपको राउंड अप करना है क्वेश्चंस के ऊपर। जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं, पहले आप पूरा पेपर को देखिए, 180 क्वेश्चंस को आप देखिए, और जो जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले राउंड कर दीजिए, और जल्दी से उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद में जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, और उनके बाद में हार्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये बात आपको काफ़ी जनों ने बताई होगी, अगर नहीं बताई है तो आप सुन लीजिए, और इसी से ही सब कुछ होगा। कोई रातों रात आप कोई ट्रिक लगाकर 650 नहीं ला सकते। एंड लास्ट बात आती है पेपर देने के लिए, आपके पास एक परफेक्ट जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए। उसके लिए आपके देखिए फ्रेंड्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट जितना आपके लिए बेटर होगा, आप जितना जल्दी से जल्दी पेपर को कर पाते हैं, वो ही आपका डिपेंड करता है कि स्कोर कितना होगा। क्योंकि देखिए, स्कोर इतना तो आप कर ही लेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन आपको 600, 620 या 580 तो नहीं लाना था, आपको 650 बार जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्टडी शेड्यूल की। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट 2 मंथ के अंदर 10 से 12 घंटे स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इससे अगर कम करते हैं
तो आप ही को नुकसान होने वाला है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा से रिविजन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को टाइम देंगे, उतना ही ज़्यादा आप बूस्टअप कर पाएंगे। उसके लिए आप देखिए फ्रेंड्स, 2 hours या 3 hours मॉर्निंग में दीजिए, और आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, अपनी स्टडी के लिए उठिए। और उसके लिए आपके पास एक इंस्पिरेशन है कि आप 650+ ला रहे हैं और एक बड़ी टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आप शायद टॉपर बन जाएं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो कि आपको जगाएगी। या फिर आप नाइट में स्टडी कर सकते हैं, नाइट स्टडी आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम से कुछ दिन पहले या 15 दिन पहले नाइट स्टडी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम के दिन पर लेजीनेस फील करवा सकती है, तो इसका आप पूरा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, शायद आपको इसमें कुछ कमी लगी हो, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स बता दी और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आपको सॉल्व कर दी, और यही कुछ बातें हैं जो कि आपको चाहिए। और ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई जादू नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है जिसका अगर आप अजमाएंगे तो आप 650+ पहुंच जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टॉपर भी आप ही के जैसे पढ़ता है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, वो अपना कुछ करता है, लेकिन टॉपर को पहले पता नहीं होता कि वो टॉपर बनने वाला है। तो आप भी सभी आप में से कोई ना कोई टॉपर बन सकता है, तो आप सभी ऐसे टॉपर लेकर पढ़िए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, आप मार्क्स नहीं आएंगे ये कभी मत सोचिए। आप बस सिर्फ ये सोचते जाइए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो आगे आने वाली वीडियो है वो जीके की है, और उसके अंदर मैं बोलकर अपनी वॉइस देकर वो नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा, तो सिर्फ शो होगी। आप उसके अंदर से पढ़िए, और कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपको वीकली शायद जीके दूँ या फिर डेली भी दे सकता हूँ, ताकि आपकी जो एम्स रिलेटेड जीके रिलेटेड प्रॉब्लम है और 20 क्वेश्चन जो कि जीके से आएंगे, कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हों और शायद पूरे ही सही हों।